कुछ ही घंटे बाद शिव भक्तों का इंतजार समाप्त होने वाला है और सावन माह की शुरुआत होने वाला है। सावन का महीना भगवान शंकर की पूजा आराधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा, सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। भोलेनाथ की उपासना के लिए सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। सावन महीने में भगवान शंकर की पूजा आराधना करने के साथ ही उनके शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से कहा जाता है भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है जिसका समापन 19 अगस्त को होगा। इस दौरान इस महीने कुछ खास गलतियां करने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। पूजा के दौरान ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे सावन के महीने में तामसिक भोजन का परहेज करना चाहिए, शिवलिंग पर हल्दी नहीं अर्पित करना चाहिए।